गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन मैम. हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. जो रनिंग टॉपिक है अपना प्रोनाउन एंड इट्स जो टाइप्स है काइंड्स है. चल रहा था प्रोनाउन. प्रोनाउन प्रोनाउन का हिंदी में मैंने क्या बताया था? सर्वनाम. सर्वनाम. प्रोनाउन कहते किसे हैं? सर्वनाम को कहते हैं. कहते हैं एस ऑफ नाउन. सर्वनाम जो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज प्लेस ऑफ नाउन नाउन के प्लेस पे किया जाता है. अंडरस्टैंड? सर्वनाम समझ गए? सर्वनाम क्या है? क्या है सर्वनाम? यस मैम. सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो जिनका यूज नाउन की जगह पे किया जाता है. ठीक है. यस मैम. प्रोनाउन के प्रकार बताए थे मैंने. सिक्स टाइप ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट था अपना पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. थर्ड डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन. और फोर्थ कौन सा था? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. फाइव था इंडेफिनेट प्रोनाउन. और सिक्स आपका रिलेटिव प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन हो चुका जिसमें पर्सन का भैया. पर्सन कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आई को चालू कर रखी हूँ. वी. सेकंड पर्सन में यू. स्पीकर ऑन कर रखी हूँ, उसको बंद कर दो. फर्स्ट पर्सन में है पढ़ने वाला, सेकंड पर्सन में सुनने वाला, और थर्ड पर्सन में जिसकी बात कर रहे हैं. तीसरे की जिसकी बात की जा रही है वो आएगा थर्ड पर्सन. ठीक है. इसमें बैठी नहीं है, खड़ी है. फर्स्ट पर्सन आई और वी. फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई. आई और वी. आज स्टूडेंट्स जो आज अपना प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. मैम. यस. मैम आपने बोला था ना, मैम आपने बोला था ना बुक परचेज कर लेना. तो मैम पापा ने ऐसे बोला था कि मैम पिछली बार भी हम लोगों ने है ना बुक परचेज की थी मैम, उसका कोई काम नहीं आया था. फिर पापा ऐसे बोल रहे हैं उन बुक्स का क्या करना है. एक मिनट अब बोलो कौन क्या बोल रहे हैं. मैम मैं बोल रही हूँ, मैम पापा ऐसे बोले थे कि बुक परचेज करने के लिए कि है ना पिछली बार भी बुक परचेज की थी, फिर स्कूल खुली नहीं थी, फिर खुली थी मैम, फिर वो बुक्स ऐसे ही रह गए, मैं कुछ किया ही नहीं. फिर उसके बिना स्टडी कैसे कर पाओगे? जैसे मान लो अभी तो मैं ग्रामर का करवा रही हूँ, जैसे एसएसटी में फिर मैम पिक भेजते उसको आप रीड करते हो गया एक बार चैप्टर रीड करते हो गया मेरे को ये बता दो तो मैं मान जाऊंगी कि आप बिना बुक्स के भी पढ़ सकते हो. पिक भेजते हैं हम, इतना कर रहे हैं आपके लिए कि पिक्स भेज रहे हैं, जो चैप्टर है उसकी भी पिक भेज रहे हैं, भी रीड चैप्टर, फिर आप रीड करते हो गया
मैम हमारे पापा से बोल रहे हैं। मैम जी, मैम हमारे पापा बोले थे इस बार नहीं दिलवाएंगे, अगली बार स्कूल खुलेगी ना तब दिलवाएंगे। ठीक है, पर बेटा बुक के बिना नहीं पढ़ पाओगे, आप कैसे पढ़ोगे फिर? या तो डेली आपको जो वर्क सेंड किया जा रहा है उसको एक बार रीड करो, उसके बाद में ही आप राइट क्या करो। चैप्टर जो आपको चैप्टर सेंड किया जाता है, दिस चैप्टर रीड, रीड दिस चैप्टर, तो वो चैप्टर रीड करने के बाद ही आप वर्क क्या करो। नहीं मैं नहीं yes, एसएसटी में जब अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपने भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अभी आपका ग्रामर का चैप्टर चल रहा है, एक चैप्टर और करवाऊंगी, सिक्स चैप्टर, फिर हम चलेंगे रीडर में चैप्टर करने के लिए। ठीक है मैम, मैम बुक परचेज करने के लिए मैम कब आना पड़ता है टाइम? सुबह से टाइम है 8 बजे से आप अपनी क्लास स्टार्ट होती है उसके पहले तक। यस मैम। ठीक है तो स्टार्ट करें। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने से रिलेटिव होता है। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनसे पर्सन पूछा जाता है वो जो क्वेश्चन वर्ड है वो ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, व्हाट, मैं ऐसे बता देती हूँ, व्हाट क्या, अगर इसका आंसर आएगा क्या, ठीक है क्या, जैसे मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आप क्या बताओगे, पेन या मार्कर? पेन। मार्कर बताओगे? पेन। मार्कर क्या है? यस मैम। नाउन है ना, यानी मैम प्रोनाउन का आंसर, जो आंसर आए वो नाउन हो तो वो क्वेश्चन वर्ड क्या है, प्रोनाउन है। नहीं समझे, क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर नाउन वर्ड आए तो वो शब्द क्या है, प्रोनाउन है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आप बताओगे मेरे को मैम ये मार्कर है, तो जो मार्कर आ रहा है ना, मार्कर क्या है, नाउन है, तो व्हाट अपना क्या हुआ, प्रोनाउन। ठीक है, वैसे ही हू, वेयर, हूम, ठीक है, कैसे होता है इनका यूज आप देखिए। इधर कुछ आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के, हु, ब्रोक, हु ब्रोक दिस ग्लास, ठीक है, जो ये ग्लास है इसको ब्रोक किसने, तो हु का आंसर आएगा कौन, कौन है जो ब्रोक करता है इस ग्लास को, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, किसी व्यक्ति का नाम आएगा, तो व्यक्ति क्या होता है, नाउन होता है, तो हु क्या हुआ, यही तो है कि संज्ञा के स्थान पर, यानी अब इसका आंसर आप नाउन दोगे और नाउन के स्थान पर जो शब्द आ रहा है वो क्या है, प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. चलो मैं इजी सा करवा रही हूँ। Yes, ma'am. Who are you? Who are you? ठीक है, ये अपने पास लिखा हुआ है। Who का आंसर आप क्या दोगे? Who are you? आप कौन हो? तो आप दोगे I am a, ठीक है, doctor. ठीक है डॉक्टर, या फिर आई एम रवि, क्योंकि आई एम रवि दे दिया आपने, क्या आप कौन हो, तो आप आई एम रवि, तो ये जो रवि नाम है वो क्या है, रवि क्या है, नाउन, ठीक है, रवि नाउन, नाउन के स्थान पर जो शब्द आ रहा है वो क्या है, प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर जो शब्द आ रहा है वो क्या है, प्रोनाउन, ठीक है, अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Next है, yes. जिनका आंसर नाउन आए, जिन शब्दों का आंसर नाउन आए वो शब्द क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनेट,
नहीं हो, अनिश्चित प्रोनाउन जैसे सम। गोरी दूध की कटोरी, बाबू गोरी जी, बाबा गोरी जी दी जा। Some people are very cunning. भैया ठीक है, ये सम जो सम ऑल मेनी ये सब क्या है? पापा प्रोनाउन। पापा गए हुए हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। ओके जो सम है तो इसमें आप देखो सम है ऑल मेनी ईयर मैनी फ्यू कितनी क्या संख्या नहीं हो फ्यू इची अनुसूची ठीक है। ये सब क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है नेक्स्ट आपका जो सिक्स नंबर का है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं। रिलेटिव संबंध बताना, एक व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति से संबंध बनाना बताना, एक व्यक्ति का किसी चीज से संबंध बताना या किसी व्यक्ति का किसी घटना से संबंध बताना, वो किसमें आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन में। एग्जाम्पल के लिए और इनमें होते हैं ज्यादातर विच हु दैट ये सब रिलेटिव। भैया पानी ले आओ। और मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ। मैं तो स्टूडेंट्स लिसन, अब देखिए इधर अगर हु हु आपका स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर हु बीच में आ रहा है आपके सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव बीच में आ रहा है हु रिलेटिव प्रोनाउन वहां पे उसका अर्थ हो जाता है जो कि, और विच का हो जाता है जिसका जितने। ठीक है जितने कौन सा ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए आप दैट हेलो गुड मॉर्निंग द बॉय। ये कौन बोल रहा है? क्लास मजाक चल रहा है, मैं आज करूंगी तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा फिर। दैट इज द बॉय ठीक है, दैट इज द बॉय हु हु आ रहा है। हु का हिंदी है अगर आपका हु W H O हु या बीच बीच में आते हैं तो इनका अर्थ होता है जो कि, और अगर स्टार्टिंग में आता है तो इसका अर्थ होता है कौन। ठीक है अगर हु आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसका अर्थ होगा कौन और उसमें होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर आपका हु बीच में आ रहा है तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन होगा और उसका अर्थ होगा जो कि। एट माय लंच जो कि मेरा लंच खाता है। देखो दैट इज द बॉय ये वह लड़का है। कौन सा बॉय? हु एट माय लंच जो मेरा लंच खाता था। ठीक है एट माय लंच खाता था। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यस मैम। क्या समझे मेरे को बताओ आप? चलो मैं आप लोगों से आस्क कर रही हूँ कि में कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल।
पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखा दिस इज myself reflective pronoun please give me answer myself ka kaun sa pronoun hai pronoun ka naam reflective myself में प्रिंस आपको पता नहीं है क्या? ध्यान ही नहीं है आपका? जो वर्क लेते हो वर्क भी करते हो या नहीं करते आप? मैम हम तो करते हैं। हम भी करते हैं। करते हो तो आपको पता होगा। मैम हम भी करते हैं। हम reflective pronoun करते हैं। पापा गए हुए हैं अभी सेंटेंस राइट कर रही हूँ मैं कंप्लीटली सेंटेंस आपको उसमें प्रोनाउन बताना है कि कौन सा शब्द प्रोनाउन है और इसमें प्रोनाउन कौन सा है ठीक है देखो पूरा सेंटेंस है आई कैन राइट ए लेटर गए वो तो मैंने ऐसे बोला था क्या ना वो पापा गए हुए तो कैन क्या है मॉडल सकता हूँ राइट क्या है वर्ब ए लेटर ठीक है लेटर क्या है नाउन पत्र तो प्रोनाउन कौन सा हुआ आई में कौन सा प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन सेकंड देखो This is my pen. Mam, demonstrate pronoun. Mam, demonstrate pronoun. This me hai demonstrative pronoun. Pronoun. Chota ho jaan. Yes. मैं पर्सनल
ऑल ऑफ यू लाइक क्रिकेट, इसमें बताओ। मैम पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ऑन को पर्सनल प्रोनाउन है। यू ऑल आर ऑल ऑफ यू, ऑल साथ में आ रहा है, ऑल ऑल स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू, ये किस में आता है? मैंने अभी अभी करवाया आपको ऑल, नहीं करवाया इंडेफिनिटिव प्रोनाउन, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट इंटरोगेट, कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। एक और सेंटेंस लिख रही हूँ मैम, यू डिड इट, यू डिड इट योर सेल्फ, यू डिड इट योर सेल्फ, मैम यू फॉर योर सेल्फ, मैम यू, कौन कौन सा है? I'm you और yourself. You तो है ही है, और बताओ? Yourself. Yourself. You में कौन सा pronoun है? I'm personal. Personal. और yourself में? Ma'am, reflect. Personal. Ma'am, reflect your pronoun. और इसमें रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यस मैम। अब आपसे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पूछूं, आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट में मैम फर्स्ट पर्सन, मैं वी का, वी का ऑब्जेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट? मैम माई, वी का ऑब्जेक्ट में होगा अस, यू का यू, मैम यू, मैम सेकंड पर्सन में तो यू ही रहेगा, मैम यू, यू यू, थर्ड ही का, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम, ही या फिर कोई नेम हो, ही के साथ अगर किसी बॉय का नेम हो, बॉय, तो उसका ऑब्जेक्ट में होगा हिज, भैया इसमें फोन आ रहा है, ही के साथ इधर फोन आ रहा है, ठीक है, तो उसका हो जाएगा अजय पारिक नाम से, हैं? Yes. और दे, दे का ऑब्जेक्ट में क्या होगा? देयर, दे का देयर, देयर कहाँ से होगा? देयर तो जिसपे हक जमाना, पॉजिटिव केस होगा, मैं ऑब्जेक्टिव केस पूछ रही हूँ, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, देम, इट का देम, इट का इटी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? यस मैम, नो मैम, अंडरस्टैंड? नो मैम, यस मैम, क्या समझ में आया आपके? मैम प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन में क्या समझ में आया? तो प्रोनाउन छाट लोगे आप? रोहित लाइक यू, बताओ इसमें कौन सा प्रोनाउन है? मैम यू, पर्सनल, पर्सनल, यू, यू में कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल, 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 ही हेल्प्ड, दिख रहा है नीचे, ही हेल्प्ड, ही हेल्प्ड अस, इसमें बताओ
पर्सनल मैम, ही और अस पर्सनल मैम, अस प्रोनाउन ठीक है। यस मैम। किसी स्टूडेंट को एनी प्रॉब्लम? नो मैम। स्टूडेंट्स जो आपको मैंने पिक सेंड की थी प्रोनाउन के टाइप्स की, वो आपने कर ली मैम? यस मैम। कल हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, कल हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ठीक है? यस मैम। यस मैम।